Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 46. Our topic is Nazir Sabr. Continue from here. But nothing could stop Nazir. Lekin koi bhi cheez Nazir ko rok na saki on 7 August 1981. 7 August 1981 mein he reached, wo pahunch gaya K2's summit. उसने K2 की चोटी को सर किया. He was the first person. वो पहला आदमी था in the world, दुनिया में, to climb, चढ़ने वाला. It using this new route, टूट रास्ता, इस नए रास्ते को इख्तियार करते हुए पहला आदमी बन आदमी था जो इस चोटी पर चढ़ा. He was also the second Pakistani. और वो दूसरा पाकिस्तानी था टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ K2, द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान. और दूसरा पाकिस्तानी भी था जो कि K2 की चोटी पर खड़ा हुआ. पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ है जो कि नज़ीर वाज वांटेड टू क्लाइंब. नज़ीर चढ़ना चाहता था द हाईएस्ट माउंटेन, बुलंद तरीन चोटी पर इन द वर्ल्ड, दुनिया की, माउंट एवरेस्ट. नज़ीर जो है इस माउंट एवरेस्ट पर, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, उस पर चढ़ना चाहता था. हिज फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स वर नॉट सक्सेसफुल. इसकी कुछ कोशिशें कामयाब ना हुई. बट दिस ग्रेट मैन डिड नॉट गिव अप. लेकिन इस आदमी ने हौसला ना हारा. इन 2000 ही क्लाइम्ड द माउंटेन अगेन. 2000 में वो दोबारा से इस चोटी पर चढ़ा विद हिज नेपालीज टीम एंड बेन वेबस्टर हिज कैनेडियन टीम मेट. 2000 में वो दोबारा पहाड़ पर चढ़ा अपनी नेपाली टीम और अपने कैनेडियन साथी बेन वेबस्टर के साथ. ऑन 7 मई 2000 नज़ीर स्टूड ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. 17 मई 2000 के रोज नज़ीर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था. इट वॉज द मोस्ट स्प्लेंडेड मोमेंट ऑफ हिज लाइफ. स्प्लेंडेड शानदार मोमेंट, लम्हा. ये उसकी लाइफ का, उसकी ज़िंदगी का बहुत ही शानदार लम्हा था. हिज ड्रीम हैड कम ट्रू. उसका ख्वाब पूरा हो गया था. ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी. पहला पाकिस्तानी बन गया टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. और वो पहला पाकिस्तानी बन गया जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा. ही प्लांटेड द पाकिस्तानी फ्लैग ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ. उसने पाकिस्तानी परचम दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर लगाया. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंग्रेचुलेटेड. दुनिया भर से तमाम लोगों ने उसे मुबारकबाद पेश की. फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट. उसकी इस कामयाबी पर ही रिसीव द प्रेजिडेंट्स अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. उसको सदारती अवार्ड दिया गया इन 1982 में. एंड सितारा इम्तियाज स्टार ऑफ एक्सीलेंस इन 2001. अपनी अजीम कामयाबियों पर इसको 1982 में सदारती अवार्ड और 2001 में उसको सितारा इम्तियाज से नवाजा गया. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग इस पैराग्राफ के, अटेम्प्ट हमला या कोशिश करना, गिव अप छोड़ना, स्प्लेंडेड शानदार मूमेंट, लम्हा, ड्रीम ख्वाब, हाईएस्ट बुलंद तरीन, कंग्रेचुलेटेड मुबारकबाद देना, अवार्ड इनाम, प्राइड फखर, रिसीव्ड वसूल कर. इट्स इन फॉर टुडे. कल मिलते हैं इंशाल्लाह विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.